हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ से। तो जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जो आपका सबसे पहला दे रखा है वो दे रखा है कॉमर्शियल पेपर। सेकेंड जो आपका दे रखा है, सबसे पहला क्या दे रखा है आपका? कॉमर्शियल पेपर, जिसको CP बोलते हैं, ठीक है। आपका जो सेकंड दे रखा है वो दे रखा है आपका ट्रेजरी बिल, जिसको हम TB के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड दे रखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम CD के नाम से जानते हैं। और आपका सबसे फोर्थ दे रखा है पब्लिक डिपॉजिट। जो आपको फोर्थ दे रखा है वो दे रखा है आपका पब्लिक डिपॉजिट, जिसको हम PD के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मनी मार्केट होता है वो आपका होता है ऐसा मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए सेल और परचेस की जाती हैं। ऐसी सिक्योरिटीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए सेल और परचेस की जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी कहलाती हैं मनी मार्केट की सिक्योरिटी। तो आपका कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल भी आपके एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आपके मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये तीनों आपका एक साल से कम के लिए इशू किया जाता है। जबकि आपका पब्लिक डिपॉजिट जो है ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? ऐसी मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए बाय एंड सेल किया जाता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका क्या है फोर्थ ऑप्शन? ये आपका राइट ऑप्शन है, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपका राइट आंसर लिख देता हूँ, वो है आपका क्या चीज? पब्लिक डिपॉजिट, PD। चलो, थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है।